हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आपका हमारे चैनल टिकटॉक एक्टिंग 143 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो का ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ, स्काई चेंजिंग वाला है कि आसमान का रंग बदल जाता है, तो बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, ये वीडियो टिकटॉक पर बहुत चल रही है, अगर आप भी पाएंगे हो सकता है कि आपकी वीडियो भी वायरल हो जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अपनी वीडियो कैसे एडिट किया। दोस्तों, ये वीडियो है। दोस्तों, आप गाना कोई भी लगा लीजिएगा, तो मैंने ये वाला लगाया। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी वीडियो बनी है। तो बहुत ही आसान है ये वाली वीडियो बनाना। तो मैं आज आपको यही वीडियो का ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले करना क्या है आपको वीडियो बनाने के लिए, दोस्तों वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है। दोस्तों, बैकग्राउंड कोई भी हो चल जाएगा, चाहे कहीं मर्जी शूट करना। तो मैं कहीं घूमने गया था, मैंने ये वीडियो वहाँ शूट करी थी, बस फ़ोन हिलाना मत। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली ये वाले रेशो पर क्लिक करने के बाद सेंटर वाले रेशो पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लैक कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। तो हम ये चूज़ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब आपको करना है सिंपली यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपली लेयर के ऑप्शन पर मीडिया पर क्लिक करने ओबली वीडियो चूज़ कर लेनी है। दोस्तों, वीडियो चूज़ करने के बाद क्या करना है, सिंपली इसी वीडियो पर क्लिक करने के बाद सिंपली सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको फुल साइज़ कर देना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली दोस्तों इस वीडियो को प्ले करना है। जहाँ पर आप पिस्तौल चलाते हैं हाथ से, उसको स्टॉप कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम आगे कर। उसके बाद करना क्या, सिंपली ऐसे पॉज कर देना है जहाँ पर आप हाथ ऊपर करें पिस्टल चलाने के लिए। उसके बाद सिंपली इस वीडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सीज़र का ऑप्शन मिल जाएगा। सीज़र के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली टू प्ले हेड कर देना है थर्ड वाले ऑप्शन पर। उसके बाद सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जोन सी वीडियो कट करी है, सेकंड वाली वीडियो, उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारी दो भागों में बट गई है वीडियो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर फ़िल्टर, उस पर क्लिक करना है। कलर फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो हम कर देते हैं सबसे नीचे, ये देख सकते हैं ये वाला सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या करना है, सिंपली दोबारा से वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, कलर ऑप्शन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा ये वाला पहले वाले को थोड़ा सा नीचे कर देना, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे करना, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी वीडियो दिखेगी आपको, तो आप अपने हिसाब से कर लेना दोस्तों। ये वो कुछ ऐसे वीडियो दिखेगी दोस्तों। उसके बाद सिंपली यहाँ पर टिक के बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद करना क्या, सिंपली यहाँ पर शेयर करके इसको सेव कर देना है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो सेव करने को सिंपली आपको दोबारा से बीच वाले बटन पर क्लिक करके बीच वाला रेशो सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली मीडिया के ऑप्शन पर जाने हुए एक वीडियो सेलेक्ट करनी है, वो वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। उसको सेलेक्ट कर लेना मीडिया पर जाकर। उसके बाद सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर जाना है अवले, और मीडिया पर क्लिक करना है, वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने अभी सेव करी थी। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली दोबारा से इसको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको सेव कर लेना है फुल साइज़ पर। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली क्या करना है दोस्तों, दोबारा से आप जहाँ पर गोली चलाते हैं उसको वहाँ से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं गोली चला रहा हूँ। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करें, सीज़र पर क्लिक करें, और स्प्लिट टू हेड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली जो सेकंड वाली वीडियो है उसको दोबारा से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कलर चेंज करा था। उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाने के बाद क्रोमा की को इनेबल कर देना है। तो हम कर देते हैं क्रोमा की को इनेबल। उसके बाद यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना ऑरेंज की जगह। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखो, बहुत आसान है, थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी पर बहुत आसान है। उसके बाद टिक के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं हम क्रोमा की पर जाते हैं और इसे अनेबल कर देते हैं कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस तैयार हो गई, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान था। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पर शेयर के बटन पर क्लिक करके इसको बीच वाले पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है।
दोस्तों आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं अगले टाइटल पर क्लिक करने वो ये ऐसे खुल जाएगा, यहाँ पर लिंक को मिलेगी, यहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नवे हैं तो ये वाले लाल कलर के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाने के बाद ऑन कर लीजिए ताकि आप ऐसी वीडियो सीख कर टिकटॉक पर वायरल हो पाएँ। तो चल मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।